नमस्कार, मैं हूँ रवि मेहता। आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन होने जा रहा है और अभी लगभग शाम के 7:30 या 8 बज रहे हैं और रोड पूरी तरह से खाली है। ये स्टेशन रोड है और जो भी किराना स्टोर थी वो खुल के लोगों ने अपने लिए सामान ले लिया है और घर वापस चले गए हैं और सारी दुकानें बंद हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है, लोगों को जागरूकता कर रही है कि वो घर से ना निकले। आइए और भी जगह की तस्वीरें हम देखेंगे। अभी हम बोरिंग रोड पहुंच चुके हैं और यहाँ भी लगभग ना के बराबर गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। जो लोग भी हैं वो ज़रूरतों की चीज़ देने के लिए जा रहे हैं और घर अपने वापस जा रहे हैं। हमें बस इंतज़ार है, इसी तरह हमें धैर्य रख के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात मानना है और इस चेन को तोड़ना है, क्योंकि एक बार ये चेन टूट गया तो फिर हम इससे उभर सकते हैं। लेकिन धैर्य बहुत ज़रूरी है, इस बात पे ध्यान दें, धैर्य बहुत ज़रूरी है। सरकार प्रशासन पूरी तरह से आपकी मदद कर रही है, हर कुछ है, हेल्पलाइन नंबर है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कहीं भी आपको हेल्प मिलेगा, ग्रोसरीज स्टोर में आप कॉल करके घर में राशन के सामान मंगा सकते हैं। हमारे पटना के सीनियर SSP के मदद से बिग बाज़ार को खुलवा दिया गया है और सारी ग्रोसरीज आइटम आपको फ़ोन पे मिल सकती है। इसलिए धैर्य रखें और इस चेन को तोड़ने में केंद्र और राज्य सरकार की मदद करें, इससे हमारा ही फायदा है। अभी हम बोरिंग कैनाल रोड से दिखने की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पुलिस की गाड़ियों की पेट्रोलिंग हो रही है और वो बोल रहे हैं सबको कि यहाँ से हटिए। अभी हम एग्जीबिशन रोड के पास है और यहाँ भी पूरी तरह से लॉकडाउन है, हर कोई अपने घरों में है, सुरक्षित है और यही करना भी होगा। हम लोग को घर में ही रहना होगा, ज़रूरत की चीज़ लेके और फिर घर में रहना होगा। इस वक्त हम अभी गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, यहाँ भी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। देखिए, कहने वाली बात यह है कि हम सभी को मिलकर ये काम करना, आज के समय में सब लोग एक हो चुके हैं और सारे लोग काबिले तारीफ है। बिहार के लोग काफ़ी अच्छे हैं, वो हर चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं और उसका पालन करते हैं। कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती हैं लेकिन उसे हमें पालन करना है। बिहार पुलिस का एक चाहे सिपाही हो, चाहे क्रॉसिंग स्टोर का एक दुकानदार, आज सब खड़े हैं आपके लिए और चिंताजनक होने की कोई बात नहीं है। बस हमें लगातार नियम का पालन करना है और जो भी आदेश ऊपर से आते हैं उनको फॉलो करना है। बस एक बार ये चेन टूट जाए उसके बाद हम ये महामारी से बच सकते हैं। मैं रवि मेहता, देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए बिग न्यूज़ 9।